हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बिहार के प्रसिद्ध त्यौहार छठ पूजा, जो कि इसका प्रसाद बनाएंगे ठेकुआ। और वीडियो में तक बने रहिए और नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं ठेकुआ बनाना। यहाँ पे एक बाउल में हमने ले लिया है गेहूँ का आटा, और इसी बाउल से आधा बाउल हमने ले लिया है मैदा। और 2 से 4 चम्मच ले लिए हैं यहाँ पे हमने सूजी, और इसको भी ऐड कर देंगे। और छोटी इलायची कूट के ले लिए हैं, इसको भी ऐड करेंगे। और सूखा नारियल कद्दूकस करके इसको भी ऐड कर लेंगे। और घी लिए हैं, और इन सब सामग्री को हमने मिक्स कर देंगे। और घी को गरम करके अब डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। ठेकुआ में घी का प्रयोग बहुत ज़रूरी होता है, इससे खस्ता बनता है ठेकुआ। और इसको दोनों हाथों से मिला देंगे। और यहाँ पर ले लिए हैं हम चीनी, अब इसको भी ऐड कर देंगे। हम चीनी को बाद में ऐड कर रहे हैं। और यहाँ पर लिए हैं दूध, आप दूध के स्थान पानी भी डाल सकते हैं, और बहुत थोड़ा थोड़ा डालना है। इसका आटा बहुत सख्त बनता है, तो आटा मैं लगा ली हूँ और छोटा सा डोल लूँगी आटा का। अब इसको इसी तरह हम गोला करके और हाथों से थोड़ा सा चिपका देंगे। और पाचा नहीं है तो मैं यहाँ पर चम्मच से इसका डिजाइन बना दूँगी। अगर आपके पास पाचा है तो कोई बात नहीं। तो इसको हम एक प्लेट में रख देंगे, और फिर से मैं दो ले लूँगी। और इसी तरफ आ रहे हैं ठेकुआ को बना ली। अब इसको तलने के लिए यहाँ पर गैस ऑन कर दिए, और यहाँ पर रखेंगे कढ़ाई में आयल, और आयल ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, और गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखेंगे ताकि ये खस्ता बने, नहीं तो ठेकुआ नॉर्मल बनेगा। अब इसको हम दूसरे साइड पलटेंगे। इसको हम बराबर पलटते रहेंगे जब तक ये बनेगा नहीं, और इसको हम गोल्डन ब्राउन तक पकाएंगे भी। तो गोल्डन ब्राउन हो गया है, और इसको अब निकाल लेंगे एक प्लेट में। आल को निकाल दूंगी और ठेकुआ को मैं एक प्लेट में रख देंगे। तो इसी तरह हम सारे ठेकुआ को निकाल लेंगे। और फिर से हम ठेकुआ को तल लेंगे कढ़ाई में डालकर। ध्यान रहे कि गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखें, नहीं तो ये कचौड़ी जैसा फूल जाएगा और खाने में भी अच्छा नहीं आएगा। तो फिर इसको प्लेट में निकाल लेंगे। तो ऐसे ही सारे ठेकुआ को बना लेंगे। तो ठेकुआ सारा बन के तैयार हो गया है, और बहुत ही क्रिस्पी बना है और बिल्कुल गोल्डन ब्राउन। और आप इसको एक बार ज़रूर बनाइएगा, और खाने में बहुत टेस्टी लगता है, और बहुत जल्दी बन के तैयार भी हो जाता है, और बहुत ही क्रिस्पी बनता है। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।